सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्जाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, किसी भी फोर्स की हम बात करें इसके अंदर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए। हम बात करें कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया की, एनिकलरी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया या फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया की, इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए, जो एक ट्रांसपेरेंसी को खत्म करती है। ये TCS कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होने वाला था। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होने वाला था, कितने मार्क्स प्रोवाइड किए गए, ये तो कैंडिडेट को पता ही नहीं है। वो फिजिकल मार के आए हैं, उनको ये भी नहीं पता है उनका मेडिकल में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही नहीं पता है अपने, या उनको मार्क्स पता हो तो उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि उनका नंबर इतने हैं। अब आप लोगों का जो है, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था आरपीएफ के किस तरीके से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक करने हैं। आप लोगों को ये वीडियो करीबन आप लोगों को 1 मंथ ओल्ड मिल जाएगी। आप लोग 1 महीने पुरानी हमारी वीडियोस पे आकर चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसेसिंग थी आप लोगों को किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक करने हैं। अब आप लोगों को उसके बाद अपडेट दी गई थी कि जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आरपीएफ ईस्ट कोस्ट की वेबसाइट से मिला हुआ है। ये कोस्ट की स्पेलिंग गलत है, COST, तो आप लोगों की यहाँ पर ईस्ट कोस्ट की वेबसाइट पर ये मिल रहा है आप लोगों का रिजल्ट आरपीएफ का। अब देखिए आप लोगों का जो है आरपीएफ का रिजल्ट, इस पर जब हमने आरटीआई डालने की कोशिश करी, तो इस पर जब आरटीआई डाली गई तो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वहाँ से प्रोवाइड किए गए। उसमें भी आप लोगों का 10 से 15 दिन लगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताने में उनके द्वारा, और किसी किसी कैंडिडेट को तो 40 दिन भी लग गए जिन्होंने पुरानी जो है आरटीआई डाली गई थी, या यूँ कहें तो एक साथ सभी की आरटीआई का जवाब दिया गया। बेशक किसी ने 15 दिन पहले डाली हो या किसी ने 40 दिन पहले डाली हो, ऐसा हो सकता है उनके द्वारा कह दिया गया हो, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हों कि उनके द्वारा मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो आप लोगों के जो है मिनिमम 7 से 8 कैंडिडेट हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्या उनको मार्क्स प्रोवाइड किए गए थे और कितने नॉर्मलाइजेशन हुआ था, रॉ मार्क्स क्या थे उनके, तो ये सब उनके द्वारा आरटीआई में बातें कही गई, उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। आप लोगों को पूरी इससे जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप लोग भी अभी आरटीआई डाल के देख सकते हैं आप लोगों के मार्क्स कितने हैं, अगर देरी ना हो जाए, क्या पता आप लोगों का फिर लिस्ट में नाम ना हो, उस समय आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगे। आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कितने पर आप लोगों की मेडिकल की कट ऑफ जाएगी, तो आप लोग उसका भी आरटीआई डाल सकते हैं बाद में। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आप लोगों का है तो उसको यूज कीजिएगा, तो थोड़ा सोशल मीडिया से कनेक्ट होइए। अब देखिए, देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ग्रुप ABCD में क्या क्या आए थे आप लोगों का। उससे पहले हमारे चैनल पर गिव अवे कॉन्टेस्ट चला हुआ है, प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, क्योंकि HD टैबलेट किंडल का हम वैसे भी गिव अवे कर सकते थे, लेकिन इसके इससे हमें ये पता चलता है किसको नीड है HD टैबलेट किंडल टैबलेट की, जो हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बारे में, जिसको ज़रूरत है उसी को प्रोवाइड किया जाएगा। 5 किंडल टैबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप लोगों के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन से साथ होंगे। साथ में आप लोगों को पेन ड्राइव कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 32 GB का पेन ड्राइव कोर्स है अभी हमारे पास, और हम कहीं से और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 64 GB का भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास 32 GB का कोर्स है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास डाटा है। और ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को किंडल की तरफ से मिलने वाला है गिव अवे कॉन्टेस्ट में। आप लोगों को सिंपल हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, बाद में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। अब देखिए आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज का, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, ये आप लोगों को आंसर में देना है। ए ऑप्शन होता है गणना करने वाला, बी होता है संगणन, सी होता है आप लोगों का हिसाब लगाने वाला, डी होता है परिगणक। एक बार सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में, जब आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कुछ अलग भी हो सकता है, तो आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। आप लोग पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, खाली बी भी लिख सकते हैं, उसी में हम काउंट कर लेंगे कि आप लोगों ने किसने आंसर दिया है। हमारा पास डाटा इकट्ठा हो जाता है पर्टिकुलर कैंडिडेट का, अभी तक जो है बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो चुका है और हमारे सिस्टम उसको रेगुलर अपडेट करता रहता है। अब देख लीजिए, देख लेते हैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लिखे हुए हैं, बाकी अगर किसी कैंडिडेट को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आकर, एक PDF फोल्डर मैंने वहाँ लगा रखा है, तो उसमें आप लोग अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, यानी उसमें पर्टिकुलर कैंडिडेट का। अब देखिए, मैं 98.67 रॉ मार्क्स हैं इन कैंडिडेट के, और 108.41 इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। अब किसी को डाउट होता है कि नहीं, चैनल क्या पता आप लोगों का व्यूज़ के लिए कर रहा हो, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें पूरी मैंने PDF के साथ लिस्ट अटैच कर रखी है,
जिसमें आप लोग पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट हैं जो आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी। दूसरे या तीसरे नंबर पर पेज पर आप लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, पूरा नॉर्मलाइजेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप लोग चेक कीजिएगा। मैंने इसलिए टेस्ट नहीं की है पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ अटैच करने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट मार्क्स बताए जा रहे हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आकर चेक कर लीजिएगा, टोटली कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारे द्वारा बढ़ती जाएगी, हम TCS कंपनी तो है नहीं। अब देखिए आप लोगों के 98.67 के रो मार्क्स से इंटरनेट का, जो 6/2/2006 फरवरी को इनका पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट कराया गया था इनका, और इनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स जो बताए गए हैं RTI में वो 108.41 मार्क्स बताए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं वो उनका 17 फरवरी को पेपर हुआ था, जॉन सी से बिलोंग करते हैं ये, आप लोगों का जो है सेकंड शिफ्ट में इनका पेपर कंडक्ट कराया गया था 17 फरवरी को, और इनके रॉ मार्क्स थे 85 और इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए गए हैं 91.16, तो देखिए 6.16 की बढ़ोतरी हुई है इनके मार्क्स में। अब देखिए नेक्स्ट कैंडिडेट हैं उनका भी, उनका 19 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, इनके मार्क्स थे पहले 84 और इनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद प्रोवाइड किए गए हैं RTI द्वारा 86.90 मार्क्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आप लोगों के कैंडिडेट थे वो हैं 19 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट, इनके जो नॉर्मलाइजेशन से पहले मार्क्स थे 112 मार्क्स थे और इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 116.48, तो इनके भी 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई है मार्क्स के अंदर। तो ये आप लोगों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से जो प्रोवाइड किए गए थे कैंडिडेट के द्वारा, और टोटल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी थे कि कितने उनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स आए हैं। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, फुल्ली आप लोगों के द्वारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है मार्क्स दिखाने में। आप लोगों को जो PDF दिखाते तो उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट हो जाता, तो ये आप लोग की RPF के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से, इसी वे से आप लोग किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पता कर सकते हैं। और आप लोगों को RTI लगाने के लिए दोबारा वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं RTI की वीडियोज़ के ऊपर, किस तरीके से RTI लगाई जाती है, तो आप लोगों को दोबारा से RTI का पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, किस तरीके से लगाई जाती है RTI, कहाँ से आप लोगों को मार्क्स पता करते हैं, कहाँ से आप लोग किस चीज़ के ऊपर RTI लगानी है, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारे द्वारा। आप लोग को उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम भी दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप लोगों को ये जानकारी मिल सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।